दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ 2523 का डीजल सिस्टम BS4 का। अब देख सकते हैं पहले सबसे पहले ये डीजल टैंक है, ये आपका DF UA जिसे बोला जाता है, इसका टैंक है। और यह है इसका TF का फिल्टर और यह है डीजल फिल्टर। अब इसका फिलहाल पम्प यहाँ दिया गया हुआ है, ऐसे पम्प। अब आगे चलते हैं फ्यूल पम्प की तरफ, हाई प्रेशर पम्प की तरफ। अब हम आ चुके हैं इंजन के कंपार्टमेंट पे। ये इंजन, ये फ्यूल सिस्टम बहुत ही अलग है पहले से। ये इसका हाई प्रेशर पंप देख रहे हैं आप, ये हाई प्रेशर पंप है और इसका ये फ्यूल फिल्टर है। इसका AC पंप होता नहीं है ऐसे, तो डायरेक्ट पहले ये इसका दो कंपार्टमेंट है, एक तो हाई प्रेशर पंप है, एक AC पंप है, लो प्रेशर पंप जिसे बोला जाता है। पहले टंकी से डीजल फिल्टर में आता है, फिल्टर में आने के बाद इसके नीचे एक पंप रहता है जिसे डीजल खींच के फिल्टर में जाता है, फिल्टर में फिल्टर होकर फिर हाई प्रेशर पंप में आता है। हाई प्रेशर पंप में आने के बाद आपका ये पाइप चला जाता है सीधा कॉमन रेल में। अब ये कॉमन रेल सिस्टम गाड़ी है, CRDI, ये कॉमन रेल है इसका। ये आप देख सकते हैं थोड़ा पुराना गाड़ी है, 1 साल हो चुका है ये गाड़ी आया हुआ अभी तो। पहले तो आया हुआ था 2528 ऐसा मॉडल में था पहले ही, अभी जो 2523 2528 ये सब में आया हुआ है। देख सकते हैं आप कॉमन रेल है ये। ये इसका नोजल पाइप है, इंजेक्टर पाइप, टोटल ये इलेक्ट्रिक सिस्टम में चलता है। आप देख सकते हैं ये इसका ECU है, ECU बॉक्स बिल्कुल इंजन के पास में लगाया गया है क्योंकि वायरिंग का ज़्यादा दिक्कत ना रहे। आप देख सकते हैं वायरिंग का कनेक्शन ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इंजन के पास में रखा गया है, क्योंकि बड़ा गाड़ी चलने के बाद बहुत कुछ होता है, बहुत प्रॉब्लम आता है बड़े गाड़ी में छोटे गाड़ी से। इसका कंप्रेसर है, इसका फैन दिया गया है, फैन ऑटोमेटिक फैन है, इसे डिस्कस फैन बोला जाता है। और इसमें एक वो बात है कि इसका मोबिल चैम्बर भी थोड़ा बड़ा कर दिया, इसमें 22 लीटर अभी इंजन ऑयल खाता है जो CI4 15W40। इस इंजन में कोई भी आपको प्रॉब्लम मिले तो हमें कॉल कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि गाड़ी में कुछ फॉल्ट है तो, जैसे स्टार्ट नहीं होता है कुछ, आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइए। इसका सोलेनोइड है फ्यूल पंप का, और आपको जो TF का टैंक दिखाया था वो भी आके सीधा पहले हाई प्रेशर पंप में लगता है और साथ में ही डीजल के साथ मिक्सिंग हो गया वो भी जलता है। ठीक है दोस्तों, अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।